रेवेन्यू बार एसन की कल जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विधानसभा में जो भी बजट प्रस्ताव पेश किया गया है उसके पैरा नंबर 169 में प्रावधान किया गया है कि जिला कलेक्टर के आदेशों के विरुद्ध राजपील अधिकारी को जो अब तक अपीलें हो रही थी उनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजपील अधिकारी जी छीन करके संभागीय आयुक्त को दिया जा रहा है। ये एक्चुअल में किसान विरोधी कदम है, काश्तकारों को धन और बल के रूप में मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला कदम होगा। राज्य सरकार इस पर गौर करे। राज्य सरकार को इस बाबत हमने अपना मांग पत्र और ज्ञापन अध्यक्ष राजमंडल के माध्यम से और पृथक से फैक्स के द्वारा भेज दिया गया है, जहां राजपील अधिकारी का पद प्रदेश में लगभग 25 पद स्वीकृत है, 25 के 25 पद विशुद्ध रूप से न्यायिक कार्य कर रहे हैं, उनके पास अतिरिक्त कोई प्रशासनिक कार्यभार नहीं होता, वो कार्य दिवस में हमेशा न्यायिक कार्य के लिए उपलब्ध रहते हैं। इस कारण किसानों को आसानी से और कम खर्चे पर कम दूरी पर जाकर के अपने मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वहीं संभागीय आयुक्त के मात्र 7 पद स्वीकृत है, 7 संभागीय मुख्यालय पर, जिनके पास अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यभार होता है, संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होने के नाते उनके पास प्रशासनिक कार्य का भार रहते हुए वो न्यायालय को अपना समय नहीं दे पाते हैं। इस कारण किसानों को न्याय प्राप्त नहीं होगा। मोटे रूप में यूँ देखें, आपको 25 व्यक्तियों का कार्य अगर 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा तो अनुपातिक रूप से न्याय का निस्तारण नहीं हो पाएगा, उनको किसानों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ये किसानों की आवाज़ है जो हमने उठाई है। अभी हाल ही में हमने केवल 2 का सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया है और इस बाबत अपनी मांग से, किसानों की इस मांग से राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को, राष्ट्र मंत्री महोदय को इस बाबत अपना मांग पत्र सौंपने का प्रयास कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत रूप से मिलकर के अनुवेदन। VP सिंह राजावत, अध्यक्ष रेवेन्यू बोर्ड बार एसन अजमेर।